नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TechOn24 में। मैं अमन कुमार और मैंने अभी देखो कुछ दिनों पहले ना अनबॉक्सिंग डाली थी निकोन D5600 की। ये जो मैंने अभी कैमरा लिया है और ये वीडियो जिससे शूट हो रही है वो यही कैमरा है, निकोन D5600 D5600 हिंदी में। तो ये एक कैमरा है और तो इसकी मैंने अनबॉक्सिंग डाली थी, तो मुझसे बहुत लोग बोल रहे थे कि इंस्टा वगैरह पे मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे एक वीडियो दे दो जिसमें कि इसकी पिक्स वगैरह हो, मतलब कि एक वो पिक मांग रहे थे इस कैमरे से क्लिक की हुई, ताकि कुछ लोग हैं जो फोटोग्राफी के लिए कैमरा लेना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो मेरी तरह यूट्यूबर हैं, व्लॉगिंग भी करते हैं वो और मेरी तरह वीडियोज भी बनाते हैं यूट्यूब पे। तो देखो दोस्तों, अगर आप व्लॉगिंग के लिए कैमरा लेने जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी स्क्रीन रोटेटेबल है और मतलब ठीक है, मैं भी व्लॉगिंग करता हूं। अगर आप मेरा व्लॉगिंग चैनल देखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, मैं इसी कैमरे से व्लॉगिंग करता हूं, तो आप वहां पे देख सकते हो इस कैमरे से कैसे मैं व्लॉगिंग करता हूं और क्वालिटी वगैरह क्या है। बाकी देखो, इस वीडियो में मैं सिर्फ इसकी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा कि कैसे ये फोटोग्राफ्स क्लिक करता है, ब्लरिंग क्या है। और देखो दोस्तों, हर फोटोज की अलग अलग सेटिंग्स हैं और वो सेटिंग्स में मतलब आप खुद कर लेना, काफी इजी है इसकी सेटिंग्स को करना। और एक और दोस्तों की ना कुछ फोटोज दिन में ली गई हैं, कुछ फोटोज नाइट में ली गई हैं और कुछ फोटोज शाम के टाइम, मतलब कि ना ज्यादा रात ना ज्यादा दिन, मतलब शाम के टाइम 5 to 7 इसके बीच में ली गई है। तो मतलब डे लाइटिंग नाइट और भी बहुत सारी, मतलब आप खुद देख लो यार, मैं क्या बताऊंगा आपको। आप पिक्स देखो इसकी और खुद जज करो कि आपको ये फोटोग्राफी के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और वीडियो तो आप देख ही रहे हो मेरी, ये सारी वीडियोज मेरी इसी कैमरे से शूट हो रही हैं, तो अभी देख लेना आपको लेना है कि नहीं। और अगर आपको ये कैमरा लेना है तो आप अमेजोन से ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके ये कैमरा बाय कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, अब आप इसकी कुछ फोटोग्राफ्स देख लो। फोटोग्राफ्स जो कि इस कैमरे से क्लिक करी हैं और ये सारी फोटोग्राफ्स मैंने ही क्लिक करी हैं, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि फोटोज कैसी लगी आपको और इस कैमरे की मतलब क्वालिटी वगैरह क्या है, आप जरूर बताना। और आपके लिए मतलब कंपैटिबल है, मतलब आपके जरूरतों को ये कैमरा पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा फोटोग्राफी में, तो आप मेरे को जरूर बताना। बाकी देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो का भी बनाऊं कि इसमें वीडियो का पूरा रिव्यू हो कि वीडियो ये कैसे शूट कर रहा है, ब्लरिंग वगैरह आपको दिखाऊं, फोकसिंग वगैरह दिखाऊं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वीडियो पे भी एक प्रॉपर वीडियो मैं ला दूंगा कि ये कैसे वीडियो शूट करता है और क्या नहीं। और बाकी देखो दोस्तों, अगर आप मेरी तरह यूट्यूबर हो तो आपको दो ही चीज़ें इस कैमरे से आप दो चीज़ें ही करोगे, या फिर व्लॉगिंग करोगे या फिर मेरी तरह बैठ के वीडियो शूट करोगे या आउटडोर शूट करोगे। तो दोस्तों देखो, मैं आउटडोर भी शूट करता हूँ और व्लॉगिंग भी करता हूँ, तो ये मैंने इसी ये कैमरा इसीलिए लिया है ताकि मैं इंडोर भी शूट कर सकूँ। देखो यहाँ पे लाइटनिंग कम है, बट फिर भी मैंने इसके ISO वगैरह एडजस्ट करके लाइटनिंग अच्छी खासी यहाँ पे आपको देख सकते हो। और मेरा ध्यान थोड़ा ना इसकी स्क्रीन पे जा रहा है क्योंकि मैंने इसकी स्क्रीन रोटेट कर रखी है, तो
इसलिए थोड़ा सा इधर उधर में देख रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है दोस्तों। तो बाकी की देखो क्वालिटी वगैरह आप देख ही सकते हो। बाकी डे लाइटनिंग में मैंने काफ़ी व्लॉग कर रखा है इस कैमरे से। आप अमन कुमार व्लॉग्स डालोगे तो आपको वो चैनल मेरा दिख जाए, आप वहाँ पर मेरी व्लॉगिंग चैनल भी देख सकते हो। तो दोस्तों चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तो इससे मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये कैमरा कैसे लगा, इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी लगी, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरी फोटोग्राफी कैसी लगी आपको। और दोस्तों ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों के शेयर भी कर देना ताकि उनको भी पता चल जाए इस कैमरे के बारे में। और सब आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन पर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।